माता की। अरे जोर से बोलिए, मोदी जी को मालूम पड़ना चाहिए कि आज अरुणाचल का स्थापना दिन है। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मेरे सभी प्यारे अरुणाचल वासियों को स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देकर मैं मेरा हर्ष प्रकट करना चाहता हूं। अरुणाचल वासियों को हमेशा हृदय से बहुत सम्मान करता हूं कि आपका ये देशभक्ति का संचार संस्कार पूरे देश भर के अंदर संचारित हो, ये हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है। आज ही के दिन 33 साल पहले यहां पर अरुणाचल राज्य की स्थापना हुई और ये दुर्गम क्षेत्र के अंदर अरुणाचल के अंदर रहते हुए सभी लोगों के विकास के लिए एक नया रास्ता खुला और मुझे आनंद है कि विगत 6 वर्षों के अंदर केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी और यहां भाई प्रेमा खांडू के नेतृत्व में विकास की गति अब ध्रुव गति बनकर अरुणाचल ने विकास के मामले में काफी आगे दिया है, आगे चलने का काम किया है। ये भूमि अनेक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमि रही है। आज इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक निवेश नीति 2020 उसका एक लोकार्पण हुआ है। मैं आशा करता हूं कि इस नीति के तहत अरुणाचल विकास के रास्ते पर और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ेगा। 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है, इसको पार करने में अरुणाचल अपना योगदान जरूर देगा। चिंपू ईटानगर में विधानसभा सदस्यों के लिए 140 करोड़ की लागत से नए अपार्टमेंट, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवास परिषद, नहरलागुन में अंतर्राज्यीय ट्रक टर्मिनल, कचरे उठाने की व्यवस्था, अनेक विध नई योजनाएं आज यहां से शुरू हुई है। इसके लिए सभी अरुणाचल वासियों को मैं हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूं। नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए हमेशा हमेशा से बड़ा महत्वपूर्ण प्रदेश रहा है। ये दुर्गम क्षेत्र के अंदर बस्ती जनजातियां भारतीय संस्कृति के लिए एक श्रृंगार से कम नहीं है। भारत की संस्कृति नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स की संस्कृति के बगैर अधूरी ही नहीं अपंग भी है। जब तक ये नॉर्थ ईस्ट का समृद्ध सांस्कृतिक वारसा भारत की संस्कृति में नहीं मिलता है, कभी भारत परिपूर्ण नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के अंदर 30 बार नॉर्थ ईस्ट वो आए हैं, इसका मतलब कि 1 साल में 6 बार नॉर्थ ईस्ट का मुलाकात किया है। और स्वाभाविक रूप से जब देश के प्रधानमंत्री इस तरह से करते हैं तो शासन प्रशासन अधिकारी सबका ध्यान नॉर्थ ईस्ट की तरह आकृष्ट होता है। आज अरुणाचल वासियों को मैं कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट का ये जुड़ाव का कार्यक्रम जो चलाया है मोदी जी ने, उसमें अरुणाचल का अपना एक अलग महत्व है। 27 जनजातियां और 120 से ज्यादा उप जनजातियां यहां पर अरुणाचल की एक प्रकार से एक विशेषता है। मैं आज सबको यहां अरुणाचल वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी की सभी 27 जनजातियां और 120 उप जनजातियां का अधिकारों की रक्षा करना, आपकी परंपराओं की रक्षा करना और आपकी संस्कृति की रक्षा करना भारत सरकार का न केवल दायित्व है, कर्तव्य मानकर हमें करते रहेंगे और अरुणाचल वासियों को अपनी संस्कृति के साथ और मजबूती से जोड़ने का काम करेंगे। मित्रों, एक दौर आया 2019 में जब मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, यहां विकास के दौर दूसरे दौर की शुरुआत हुई और अगस्त महीने में जब धारा 370 को हटाने का फैसला मोदी जी ने किया, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अफवाहें फैलाई, एक प्रकार की गलत फहमी फैलाई गई कि धारा 370 के साथ 371 को भी हटा देंगे। मैं आज अरुणाचल के स्थापना दिन और मिजोरम के स्थापना दिन के दिन
समग्र नॉर्थ ईस्ट को कहना चाहता हूं कि धारा 371 को कोई हटा नहीं सकता, ना हटाने का किसी की मंशा है। इस प्रकार की अफवाहें फैलाकर भारत और नॉर्थ ईस्ट के बीच में अंतर करने का, ये दो हिस्सों, एक ही देश के दो हिस्सों के बीच में अंतर पैदा करने का जो काम करते हैं, इस सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आपके प्रयास अब कभी भी सफल नहीं होंगे। पूर्वोत्तर को हम समग्र दृष्टि से विचार करें तो क्षेत्रवाद और अलगाववाद से ऊपर उठकर डोनर मंत्रालय, एनईसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, रोस्टर प्रवास और एनईआरएलपी के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास में बहुत तेजी से गति लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हमारा उत्तर पूर्व, हमारा नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, एक्ट ईस्ट नीति और जैविक खेती के कारण पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के लंबे समय से चलने वाली कई समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर किया है। बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, मणिपुर के ब्लॉकेड को हमेशा के लिए समाप्त करना, ब्रू रियांग जनजाति के 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्थायी समाधान ढूंढकर गौरवपूर्वक जीवन जीने के लिए उनको एक नया रास्ता दिखाना, बोडो समझौते के माध्यम से 1500 करोड़ से ज्यादा खर्च कर बोडो जनजाति की सभी समस्याओं का समाधान कर उनको मुख्य प्रवाह में लाना, और 8 से ज्यादा उग्रवादी गुटों ने 644 से ज्यादा कैडर के साथ आत्मसमर्पण कर नॉर्थ ईस्ट की शांति के रास्ता प्रशस्त करने का काम केवल 5 साल के समय के अंदर किया है। ये मोदी जी की नॉर्थ ईस्ट के प्रति आग्रह के साथ शांति और विकास की जो नीति है, इसी का परिचायक है। सुरक्षा और सीमा क्षेत्र के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने अरुणाचल के अंदर एक नई पहल की है। आईटीबीपी सीमा चौकियों, आईटीबीपी के क्षेत्रीय और सीमा मुख्यालय को बनाना, एनडीआरएफ बटालियन का मुख्यालय बनाना, ढेर सारी चीजें सुरक्षा के लिए भी की गई है। इसके बहुत डिटेल में मैं नहीं जानना चाहता, परंतु मैं नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जरूर कहना चाहता हूं। 14वें वित्त आयोग में जो मोदी जी के समय में आया, 13वें वित्त आयोग से लगभग 251% वृद्धि नॉर्थ ईस्ट के विकास के बजट के अंदर करी है। केंद्रीय बजट के अंदर भी 24% की वृद्धि की है। डोनर मंत्रालय के बजट में 65% की वृद्धि की है। 5 वर्ष में एनईसी के द्वारा 3519 करोड़ की लागत से 477 नए प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर चालू किया गया है। हाल ही में हमने एक निर्णय किया है कि एनईसी का जो बजट है उसमें से 33% बजट जो गांव विकास की दृष्टि से पिछड़ गए हैं, जहां पर अभी भी बिजली नहीं पहुंची है, शौचालय नहीं पहुंचा है, गैस नहीं पहुंचा है, रास्ता नहीं पहुंचा है, वो गांव के विकास के लिए हम आवंटित करेंगे। राष्ट्रीय बांस मिशन आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट के विकास का एक बहुत बड़ा जरिया बनने वाला है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 32,000 करोड़ के निवेश के साथ 3800 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे को स्वीकृत किया गया है और उसमें से 1200 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है। 900 किलोमीटर रेलवे को ब्रॉड गेज के अंदर परिवर्तित कर दिया गया है। अगरतला और दिल्ली के बीच में त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस शुरू की गई है और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं समग्र नॉर्थ ईस्ट वालों को कि 2020-21 से पहले अरुणाचल समेत नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियां एयर कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगी। यहां का भी एयरपोर्ट बनने की शुरुआत हो चुकी है। असम के अंदर लगभग 5 किलोमीटर लंबे बोगीबिल पुल का उद्घाटन 2018 में हुआ, वो अपने आप में एक इंजीनियरिंग साहस है। लगभग 2480 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन की शुरुआत हुई है। अनेक संस्थाओं को यहां पर लाने का काम किया है। 50,000 करोड़ रुपया से ज्यादा रोड की शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार ने करने का काम किया है। 50,000 करोड़ नाहरलगुन में पहला रेलवे स्टेशन बनने के बाद अरुणाचल
प्रदेश को देश के रेलवे के मानचित्र पर लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और 3 रेल लाइनों के लिए हम संभावना तलाश रहे हैं। भालुकपोंग से टेंगा से होकर तवांग तक, लिकाबाली से बेम होकर रुकसिन तक, परशुराम कुंड से होते हुए तेजू और रुपाई तक की रेल लाइन की भी हम संभावना तलाश कर रहे हैं। उसको भी जल्द ही नरेंद्र मोदी सरकार शुरू करने जा रही है। देश के हवाई नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को लाने के लिए हालोंगोई हवाई अड्डे का निर्माण कर दिया गया है, जिसकी मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया था, जो पिछले 12 सालों से अटका हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रिकॉर्ड संख्या में सड़कों और पुलों को मंजूरी दी गई है। राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT के स्थायी कैंपस की स्थापना लगभग 430 करोड़ की लागत से यहाँ पर हम करने वाले हैं। महत्वाकांक्षी जिले परियोजना के अंतर्गत नामसाई जिले के विकास में सराहनीय प्रदर्शन किया गया है और सभी जिलों को वो पूर्ण प्रेरणा देने का काम करेगा। और मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज भी यही कालखंड के अंदर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री रोगी कल्याण कोष गरीबों के लिए यही कालखंड के अंदर शुरू हुआ और यहाँ ऊंचाई पर होने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने के लिए 5 जिलों में 1,000 एकड़ से ज्यादा वृक्षारोपण करने का काम भी पेमा खांडू के नेतृत्व में हुआ है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी पूरे नॉर्थ ईस्ट को समस्या मुक्त बनाना चाहते हैं। राज्यों राज्यों के बीच की समस्या है, जनजाति जनजाति के बीच की समस्या है, सीमाओं के विवाद की समस्या है, उग्रवाद के साथ जुड़ी हुई समस्या है। अगले 5 साल में 2024 में जब हम अरुणाचल की जनता का आशीर्वाद मांगने आएंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं हम एक समस्या मुक्त नॉर्थ ईस्ट लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, जो नॉर्थ ईस्ट कहीं पर किसी भी झगड़े का अस्तित्व नहीं होगा, केवल और केवल विकास और देश के सुनहरे भविष्य का जिसके अंदर आगाज हो चुका होगा। मित्रों, आज अरुणाचल वो प्रदेश है जो भगवान सूर्य का सबसे पहले दर्शन करने का अधिकार रखता है, ऊर्जा को सबसे पहले प्राप्त करने का अधिकार रखता है। वो प्रदेश के 34वें स्थापना दिन पर आज मैं फिर से एक बार आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और पेमा खांडू और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा एक खूबसूरत प्रदेश विकास की अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहे, ऐसी शुभकामनाएं देकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे जोर से बोलिए जरा, भारत माता की। वंदे मातरम।